शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां, दूसरा अध्याय साधु की नीति, 16वीं कहानी। दल का बच्चेकार आयत च तस्बी हो मुरक्का खुदरा जे अमल हाय निको हिदा वरिदार हाजत व कुलाह वर्की दास्तनत नैस्त दरवेश सिफत वाशो कुलाहे तत्रिदार। जो साधु बुरे कर्म करता है वो भारी ठाट बाट साधु जैसा रखता है। वो मक्कार हैं साधुओं जैसे गुण रखने वाले, यदि राजाओं जैसे कपड़े पहन ले तो भी कोई हानि नहीं। इसी महात्मा ने स्वप्न में एक राजा को स्वर्ग में और एक तपस्वी को नरक में देखा। उसने पूछा, इसका क्या कारण है कि राजा तो ऊंचा चढ़ा और तपस्वी नीचे गिरा? क्योंकि प्रायः इसकी उल्टी बात ही देखी जाती है। लोगों ने जवाब दिया, राजा महात्माओं से प्रेम रखता था, इससे उसे स्वर्ग मिला, और तपस्वी राजाओं की संगति करता था, इसे वह नरक में डाला गया। मोटे जोटे और ढीले ढाले कुर्ते माले और थेगड़ीदार कपड़ों से क्या फायदा? बुरे कर्मों से बचो तो फिर पत्तों की टोपी की क्या जरूरत? तपस्वियों के से गुण रखकर भले ही तातारी मुकुट पहन लो, कोई हानि नहीं। कहानी से शिक्षा। जो मनुष्य एकमात्र ईश्वर से प्रेम रखता है उसके सिवा दूसरे की शरण नहीं जाता, सदा परोपकार में लगा रहता है, अपनी काया को अनित्य और क्षणभंगुर समझकर अभिमान नहीं रखता, वो चाहे जैसा वेश रखने पर भी सच्चा योगी है। जिस मनुष्य में उपरोक्त गुण तो नहीं किंतु वो पत्तों से बदन ढांकता है, शरीर में खाक रमाता है, कोपिन बांधता है या हजारों थेगड़ियों के कपड़े पहनता है, वह योगी नहीं किंतु योगी का स्वांग भरने वाला है। कहानी समाप्त।